नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति। जब भी कोई नई सरकार बनती है और उसका गठबंधन अगर राजद के साथ होता है, तब बिहार में हो या कहीं भी हो देश में, लेकिन उस समय उस जगह पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त नज़र आती है और ऐसे अपराध जो है लगातार बढ़ते हैं। और अगर हम पिछले दिनों की रिपोर्ट निकाल कर देख लें कि जब से नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन किया है, यानी तब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से बिहार में अपराध का ग्राफ जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। चाहे वो लूट के केस हो, चाहे मर्डर के केस हो, चाहे महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के ऐसे वारदात हो, वो लगातार हर दिन उसका ग्राफ जो है लगातार बढ़ते ही जा रहा है। बता दें कि अब इसको लेकर अब विपक्षी लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार के निशाने पर हैं और लगातार विपक्षी जो है महागठबंधन सरकार पर निशाना साध रहे हैं और नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि जब से वो राजद में शामिल हुए हैं, महागठबंधन की सरकार बनाई है, तब से नीतीश कुमार अपनी नैतिकता भूल गए हैं कि आखिर वो किस आधार पे बिहार के लिए आए थे और क्या करने बिहार के लिए आए थे। शायद वो अपने कामों को, अपनी नैतिकता को कहीं ना कहीं वो भूलते जा रहे हैं। तो अब उन्हें ये याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, हर दिन कभी एक पत्रकार की हत्या हो रही है, कभी एक SHO को मार दिया जा रहा है, तो घर से निकलती महिलाओं के साथ रेप कर दिया जा रहा है, तो ऐसे वारदात जो है लगातार हमें बिहार में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार लगातार ये बयान देते मीडिया से नज़र आ रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है और अभी तक इस पर लगाम लगाई गई है, बिहार के सुशासन को दुरुस्त किया जा रहा है। ये कैसी दुरुस्तता है, ये तो हमें समझ नहीं आता। इन तमाम मुद्दे को लेकर आपको बता दें कि भाजपा के सांसद निखिल आनंद ने नीतीश कुमार पर एक बार जमकर करारा हमला किया है। हम आपको पहले निखिल आनंद का वो बयान सुनाते हैं कि आखिर किस तक कदर वो आक्रोश में आकर नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आए हैं। बिहार के बेगूसराय में सुबह रिटायर्ड शिक्षक की हत्या कर दी गई। उनके पुत्र की 2 साल पहले हत्या हुई थी, जिसमें वे गवाह थे। बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, SHO नंदकिशोर यादव, पत्रकार विमल यादव, और अब देखिए कि लगातार हत्याओं का दौर जारी है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। नीतीश कुमार के हाथ से कानून व्यवस्था फिसल गई है। अब लालू जी की गोद में बैठकर जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री पद का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, ऐसे में बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। बिहार को नीतीश कुमार से अब मुक्ति का मार्ग तलाशना होगा। नीतीश कुमार जी का 0 टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन का दावा पूरी तरह से फेल है और कहीं भी किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी किसी को न्याय नहीं। देखिए, निखिल आनंद ने सीधे सवाल नीतीश कुमार पर दाग दिया है कि पहले तो नीतीश कुमार इसका जवाब दे कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था कब सुधरेगी, आखिर बिहार की जनता को किस कदर परेशान होना पड़ रहा है, उनकी परेशानियां कब खत्म होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो उजड़ गए हैं, उनके घर में कमाने खाने वाले लोग जो है जब से उनकी हत्या हुई है वो गुजर गए हैं, उनका पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं कई चुनौतियों से गुजर रहा है कि उनके बच्चों को ना पढ़ने के लिए पैसे अब बचे हैं, ना ही उनकी माँ इतनी काबिल है कि वो अपने बच्चों को कहीं नौकरी करके पढ़ा सके, क्योंकि बिहार में तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था का भी वही हाल है कि ना बच्चे इतने शिक्षित हो पाए, ना युवा इतने शिक्षित हो पाए, या शिक्षित हुए भी हैं तो नीतीश कुमार ने अभी तक कोई उन्हें रोजगार नहीं दिया है। तो इस तरीके के अगर वारदात बिहार में होते रहेंगे तो बिहार को किस तर्ज पे तोला जाएगा, ये तो नीतीश कुमार ही बता दें। एक तरफ जहां वो विशेष दर्जे की मांग करते हैं और ये बयान देते नजर आते हैं कि बिहार को हम एक सोने की चिड़िया के जैसे बनाएंगे कि जो भी आएगा बिहार में अपने आप को संपन्न व्यक्ति के तौर पर देखेगा, तो आखिर ऐसे संपन्नता कैसे आएगी, इसका जवाब हमें नीतीश कुमार दे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।